न्यूज लाइव में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। मोदी के हस्ते विश्व के सबसे बड़े ऊंचे स्टेचू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन। राफेल की कीमत के साथ सारी जानकारियां पेश कर रहे उच्च न्यायालय। जिस्मों में कई गोलियां बहती खून की धाराएं। सुनिए दिल दहला देने वाली घटना। अब खबरें विस्तार से। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी 143वीं जयंती के शुभ अवसर पर स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाने जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा स्टेचू सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका उद्घाटन मोदी के हस्ते किया गया। राज्य के लिए जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, राज्य को जिन्होंने जोड़ा है, ऐसे महापुरुषों की उन्होंने कथा भी सुनाई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राफेल विमान की कीमत और उसकी जानकारी 10 दिनों में पेश करे ऐसा आदेश दिया। इस समय न्यायालय केंद्र सरकार को सार्वजनिक किया जाएगा। 31 अक्टूबर 1984 यह दिन भारत का काला दिन मनाया जाता है। आज 34 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इनकी हत्या उन्हीं के सुरक्षा बल के एक रक्षक ने की। अनिवार्य क्षमता की वजह से आयरन लेडी ऐसी पहचान उनकी थी। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह इन्होंने इंदिरा गांधी को अनगिनत गोलियां मार के हत्या कर दी। इस घटना को 34 साल पूरे हो चुके। MNS न्यूज में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे MNS न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।